गुरुग्राम तो वड़ी खबर सामने आई है। मशहूर गायक दलेर मेहंदी का सोहना स्थित फार्म हाउस सील कर दिया गया। रिपोर्ट मुताबिक प्रशासन ने सोहना की दमदमा झील नेड़े गायक दलेर मेहंदी समेत तीन व्यक्तियों के फार्म हाउस को सील कर दिया है। शुरुआती जानकारी मुताबिक सोहना के पिंड दमदमा के गायक दलेर मेहंदी का फार्म हाउस है। इतने प्रशासन की सख्ती भी वेखन मिली है। प्रशासन ने दलेर मेहंदी समेत तीन लोगों के फार्म हाउस सील कर दिए ने। जिला टाउन प्लानर इनफोर्समेंट अमित मदोलिया दमदमा झील किश्ती से सवार होकर झील के दूजे पासे पहुंच गए थे, जिथे ये तिने गैर कानूनी फार्म हाउस बने हुए ने। दस दिए कि DTPA ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हुक्मों की पालना करद इन फार्म हाउसा सील कर दिता है। तीनों फार्म हाउस करीब 7 से 8 एकड़ के बने हुए दसे जा रहे हैं। दस दिए कि पंजाबी गीत गा के करोड़ों लोगों के दिलों से राज करने वाले गायक से कई गंभीर दोष भी लगे ने। उसके मनुखी तस्करी का दोष भी है। पटियाला की हेठली अदालत ने भी दलेर मेहंदी कबूतरबाजी के 19 साल पुराने केस के दोषी करार दिता होया है। इस तो बाद 16 मार्च 2018 उस 2 साल की सज़ा सुनाई गई सी। इसे तरह ही सोनिया घोष बनाम हरियाणा सूबा मामले के NGT के हुक्म की पालना करते हुए पुलिस की मदद के नाल तिना फार्म हाउसों खिलाफ मुहिम चलाई गई सी। सदर सोहना के थाना इंचार्ज की अगवाई के पुलिस की एक टीम उत्थे तैनात की गई सी। गुरुग्राम तो वड़ी खबर सामने आई है। मशहूर गायक दलेर मेहंदी का सोहना स्थित फार्म हाउस सील कर दिया गया। रिपोर्ट मुताबिक प्रशासन ने सोहना की दमदमा झील नेड़े गायक दलेर मेहंदी समेत तीन व्यक्तियों के फार्म हाउस को सील कर दिया है। शुरुआती जानकारी मुताबिक सोहना के पिंड दमदमा के गायक दलेर मेहंदी का फार्म हाउस है। इतने प्रशासन की सख्ती भी वेखन मिली है। प्रशासन ने दलेर मेहंदी समेत तीन लोगों के फार्म हाउस सील कर दिए ने। जिला टाउन प्लानर इनफोर्समेंट अमित मदोलिया दमदमा झील किश्ती से सवार होकर झील के दूजे पासे पहुंच गए थे, जिथे ये तिने गैर कानूनी फार्म हाउस बने हुए ने। दस दिए कि DTPA ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हुक्मों की पालना करद इन फार्म हाउसा सील कर दिता है। तीनों फार्म हाउस करीब 7 से 8 एकड़ के बने हुए दसे जा रहे हैं। दस दिए कि पंजाबी गीत गा के करोड़ों लोगों के दिलों से राज करने वाले गायक से कई गंभीर दोष भी लगे ने। उसके मनुखी तस्करी का दोष भी है। पटियाला की हेठली अदालत ने भी दलेर मेहंदी कबूतरबाजी के 19 साल पुराने केस के दोषी करार दिता होया है। इस तो बाद 16 मार्च 2018 उस 2 साल की सज़ा सुनाई गई सी। इसे तरह ही सोनिया घोष बनाम हरियाणा सूबा मामले के NGT के हुक्म की पालना करते हुए पुलिस की मदद के नाल तिना फार्म हाउसों खिलाफ मुहिम चलाई गई सी। सदर सोहना के थाना इंचार्ज की अगवाई के पुलिस की एक टीम उत्थे तैनात की गई सी। हुण तुसी देख सकते हो ग्लोबल पंजाब टीवी नू डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जा iOS ते फ्री विच रोकू अते Amazon Fire TV ते जा Apple TV ते नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।